सीमावर्ती जिले पुंछ में लोगों को बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है और सीमा अब लगातार खून की लकीर बनती जा रही है, जिसका कारण है सीमा पर भारी गोलीबारी। बुधवार सुबह एक बार फिर पाकिस्तान ने बालाकोट, किरनी और देगवार सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें अब तक सेना के 3 जवान भी घायल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कुछ सामाजिक संस्थाएं सामने आकर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं और ये संस्था लगातार पाकिस्तान और भारत सरकार से नाराजगी जता रही है। इन संस्थाओं के मुताबिक दोनों देशों की सरकारों को मिलकर आगे आकर बात करनी चाहिए ताकि सीमा पर बस रहे गरीब लोग ना मारे जाए। वहीं इन संस्थाओं ने पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की भी मांग की है। प्रोटेस्ट है वो यशन की तरफ से, यूथ एसोसिएशन फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेशन, जो यशन के नाम से मशहूर है। हमारी ये कोशिश रहती है इस टीम की, जब भी कहीं इनजस्टिस हो हम बोलते हैं। तो बड़े दुख की बात है, कितने दिन से देखा जा रहा है कि बॉर्डर पे इतनी शेलिंग हो रही है, हमारे गरीब लोग मारे जा रहे हैं। जो हमारी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी गवर्नमेंट है, पूछने जाते हैं कहाँ सोई हुई है। ये हमेशा हमारे लोग मरते जा रहे हैं, लोगों का इतना नुकसान हो चुका है। कल हमारे कोई 10-12 लोग हमारे बेचारे जख्मी हुए, जिनमें 2-3 हमारे लोग मारे भी गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो मोदी जी ने बड़े बड़े वादे करते हैं, इतने बड़े दावे करते हैं, तो मैं पूछता हूँ जो जो यहाँ मारे गए इन्होंने मोदी जी ने क्या दिए, इन्हें यहाँ के बीजेपी के जो लोग काम करने वाले हैं, इतने बड़े भाषण दे दिए हैं, हमने स्वच्छ भारत अभियान ये किया वो किया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या किया, ये जो लोग गरीब लोग मरे जा रहे हैं इनका कोई भारी बरस क्यों नहीं है। ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई अंधी और बैरी गवर्नमेंट है, मैं इनको ललक भेजता हूँ गवर्नमेंट में। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे गरीब लोग मरते जाएंगे और इनके ये झूठे दावे भाषण चलते रहेंगे। आज मोदी जी ने ऐलान किया कि मैं 19,000 दूंगा बैंकर, क्या क्या उन्होंने आज न्यूज आई हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ ये कब 2019 के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये जो गरीब लोग मारे जा रहे हैं।